Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar. This is our practical number 14. The title of the practical is Performance of the Rotary Unbalanced System. So, आज के इस practical में हम लोग rotary unbalanced system को balance कैसे करने हैं वो सीखने वाले हैं. So, after completion of this video lecture, the learner will be able to perform balancing of unbalanced rotary element. तो आज हम लोग देखेंगे how to balance a rotary unbalanced system. और नीचे यहाँ पर प्रोग्राम आउटकम दिए हैं जो हम लोग ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से अचीव कर रहे हैं और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम दिए हुए हैं. ये इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो कॉम्पिटेंसी और स्किल डेवलप होने वाली वो है आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ अनबैलेंसिंग ऑफ रोटरी एलिमेंट. तो रोटरी एलिमेंट अनबैलेंस क्यों होते हैं वो हम लोग आज ये समझेंगे और अगर वो अनबैलेंस होते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है सिस्टम के ऊपर और उसको बैलेंस कैसे करना पड़ता है तो सिस्टमेटिकली हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज यहाँ पर सीखने वाले हैं. अभी देखिए बैलेंसिंग अगर नहीं करेंगे तो वाइब्रेशंस होगा. तो ये वाइब्रेशंस की वजह से क्या क्या चीज हो सकती है तो कॉजेज ऑफ वाइब्रेशन है ना. कॉजेज यानी क्या हो जाएंगे कारण, क्या कारणों की वजह से वाइब्रेशन आते हैं. तो इम्बैलेंस कोई चीज अगर बैलेंस नहीं है प्रॉपरली तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बैलेंस नहीं है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं. देन मिसअलाइनमेंट शाफ्ट रनआउट्स, मिसअलाइनमेंट प्रॉपरली एक के साथ दूसरा जुड़ा नहीं है, थोड़ा सा वो तिरछा जुड़ा है या फिर प्रॉपरली पैकिंग नहीं दी हुई है, सपोर्ट नहीं दिया है तो वो मिसअलाइनमेंट हो जाएगा. वियर घिस के वो पार्ट का साइज चेंज हो गया है तो वियर एंड टीयर की वजह से भी वाइब्रेशंस हो सकते हैं. लूजनेस, नया मशीन जो आप लोग देखो वियर एंड टीयर कब होगा जब मशीन थोड़ा पुराना हो जाएगा तो नया जो मशीन होता है वो एकदम टाइटली फिट होता है, वाइब्रेशंस बहुत कम होता है. या फिर आप लोग सर्विसिंग करवा कर लेके आओ तो वो बिल्कुल वाइब्रेशन वाइब्रेट नहीं होता मशीन इंजन गाड़ी. और जब आप लोग देखोगे कुछ समय बाद पार्ट्स वियर आउट हो जाते हैं तो वहां पर वाइब्रेशंस के चांसेस होते हैं, वाइब्रेशंस दिखते हैं. लूजनेस क्लियरेंस, कोई पार्ट प्रॉपरली फिट नहीं है, लूज है, नट बोल्ट लूज है ना. तो एक्सेसिव लोड, बहुत ज्यादा लोड आप लोगों ने मशीन के ऊपर दे दिया है देन इट विल स्टार्ट वाइब्रेट है ना. एक्सट्रीम स्पीड, बहुत ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर काम कर रहा है. या आप लोग देखो नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चलेंगे तो उसका जो वाइब्रेशन रहेगा वो कम रहेगा और फुल स्पीड पे जब गाड़ी चलता है तो वाइब्रेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा महसूस होते हैं. देन फाउंडेशन ऑफ मशीन, मशीन जो है वो जमीन में सीमेंट के फाउंडेशन में प्रॉपर फाउंडेशन बोल्ट डालकर वहां पर हम लोग फिक्स करवाते हैं और वो फाउंडेशन अगर प्रॉपर नहीं है, फाउंडेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी मशीन वाइब्रेट हो सकती है. तो दीज आर द वेरियस रीजन ऑफ वाइब्रेशन. इसके अलावा भी कुछ रीजन हो सकते हैं वाइब्रेशन के लिए, वो आप लोगों को और ढूंढना है कौन से रीजन है जिसकी वजह से वाइब्रेशन होते हैं. और ये कुछ रीजन है जो आपको ध्यान में रखना है पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह. आप लोग ये इसमें से कोई भी चार रीजन आप लोगों को लिखते आने चाहिए. देन हार्मफुल इफेक्ट, अभी वाइब्रेट तो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है. तो उसकी वजह से देखिए रिपीटेड स्ट्रेस आता है, हाईली रिपीटेड स्ट्रेस. रिपीटेड यानी एक ही जगह पर बार बार एक ही जैसा मूवमेंट, तो उसकी वजह से क्या होता है स्ट्रेसेस वहां पर, तनाव वहां पर पार्ट के अंदर जो है वो आ जाता है. क्रिएट अनडिजायरेबल नॉइज, नॉइज आता है कोई चीज वाइब्रेट हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली आवाज करते रहता है ना. साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो इंसानों के ऊपर देगा है ना. आप लोग कोई मशीन के पास हो, वाइब्रेशन हो रही है, बहुत आवाज हो रही है तो उसकी वजह से आपका सर दुखना दर्द देना चालू हो जाएगा, टायर्ड थकावट महसूस होंगी, आप लोगों का ध्यान जो है कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाएगा है ना. तो ये सारी चीजें जो है इसकी वजह से हो सकती है. उसके बाद लूजनेस ऑफ पार्ट्स इन द असेंबल्ड यूनिट्स, तो वाइब्रेट हो रहा है कोई पार्ट तो उसकी वजह से बाकी के नट बोल्ट लूज हो सकते हैं है ना. तो आप लोग देखो टू व्हीलर फोर व्हीलर या जो भी गाड़ी साइकिल चलाते हो तो उसके पार्ट्स आप लोग चेक करोगे तो कुछ समय बाद हो अपने आप लूज हो गए हुए आपको दिखेंगे. तो वो क्यों हुए है? तो वाइब्रेशंस की वजह से हुए. पार्शियल और कंप्लीट फेलियर ऑफ पार्ट, दिस कैन ऑल्सो पॉसिबल, पार्ट पूरा टूट सकता है. वियर एंड टीयर ऑफ मेटिंग सर्फेसेस, तो वाइब्रेशन की वजह से वियर एंड टीयर भी होता है. वियर एंड टीयर का एक बड़ा रीजन वाइब्रेशन ही होता है. घिस जाना, कोई पार्ट को घिस जाना उसको हम लोग वियर एंड टीयर बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ए न्यूमेरिकल ऑन बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन अ सेम प्लेन. ओके, तो यहाँ पर देखिए ये न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है
तो आप लोग न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कहता है फोर मासेस M1, M2, M3, M4, चार मासेस दिए हुए हैं, आर 200 kg, 300 kg, 240 kg एंड 150 kg रिस्पेक्टिवली। उनका वजन दे के रखा हुआ है। द करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ रोटेशन इज 0.2 मीटर, 0.15 मीटर, 0.25 मीटर एंड 0.3 मीटर रिस्पेक्टिवली। उनका रेडियस यानी लेंथ दे के रखा हुआ है। एंड एंगल बिटवीन द सक्सेसिव मासेस आर 45 डिग्री, 75 डिग्री एंड 135 डिग्री। ये एंगल दिया हुआ है कि कौन से एंगल पे वो पोजिशन है उनका। फाइंड द पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंसिंग मास रिक्वायर्ड। तो प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम के अंदर जो मासेस दिए हुए चार, वो बैलेंस नहीं है, वहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है। तो हमको एक बैलेंसिंग मास वहाँ पर प्रोवाइड करना है। जैसा मानो एक कोई फ़ैन घूम रहा है और फ़ैन के अंदर ये चार ब्लेड लगे हुए हैं, पर ये चारों ब्लेड्स जो लगे हुए 200, 300, 240, 150 kg के, ये बैलेंस नहीं है। तो हमको एक पांचवा ब्लेड वहाँ पर अप्लाई करना है कि जो वो फ़ैन को बैलेंस करवा देगा। और इसमें हमको हमेशा पूछेगा पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंसिंग मास। तो बैलेंसिंग मास का पोजिशन और मैग्नीट्यूड पूछेगा, और उसके बाद हमको एक चीज़ दिया रहेगा कि जो बैलेंसिंग मास है उसका रेडियस दे के रखेगा, लेंथ दे के रखेगा। ओके, तो आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जितने भी मासेस है उनको सीरीज़ में लिख लो आप लोग, M1, M2, M3, M4, और जितने भी रेडियसेस दिए हुए हैं उनको भी सीरीज़ में लिख लो। अभी इसका यूनिट जो है मीटर दिया हुआ है, इसका केजी दिया है, आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यूनिट रहेगा उसी में आप लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि ये 200 × 0.2, ये इसके आगे इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों का हम लोग लिख लेंगे, दैट इज़, तो ये आ जाएगा 40। तो ये आ गया अपना 40 kg मीटर में आ जाएगा ये। ओके, उसके बाद वैसे ही आपको 300 × 1.5, ये आ गया 45 60 45। तो मैंने क्या करवा दिया, इनका जो है प्रोडक्ट यहाँ पर ले लिया, मास और रेडियस का प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है, जो मासेस हमको गिवन थे उनका। अभी आपको आगे क्या करना है, आपको आगे निकालना है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हेडिंग देता हूँ, या फिर आप लोग स्पेस डायग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हेडिंग देता हूँ, और सबसे पहला मास जो है M1 200 kg का, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। वो आपको हमेशा जीरो पे ही शो करना है ना, जब तक आपको दिया नहीं रहेगा। अभी ये जो है मैं पेन से निकाल रहा हूँ, बट आपको वो पेंसिल से बनाना है, ठीक है। मैंने क्या करवा दिया, एक पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट है ये, वो कहीं पर भी आप लोग ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के अंदर। और कुछ लेंथ दिखा दिया, तो लेंथ इसका तो होना चाहिए 0.2 मीटर, बट यहाँ पर हमको लेंथ दिखाकर कुछ वहाँ से हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, सिंपली आप लोगों को एंगल्स दिखाने हैं। तो ये 0.2 मीटर का ये जो है मेरा पहला मास है M1 में, इसको बोलूँगा जो कि 200 kg का था, ठीक है ना। अभी दूसरा मास जो है वो आपका कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप लोग एक सेंटेंस देखिए, द एंगल बिटवीन सक्सेसिव मासेस। सक्सेसिव मासेस यानी दो मासेस के बीच का एंगल। तो ये पहला एंगल जो है, ये पहले और दूसरे मास के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर ये 45 दिया हुआ है, तो मैं दूसरा मास यहाँ पे ड्रॉ करवा देता हूँ 45 डिग्री पे। ये 40 और ये 45, तो ये 45 डिग्री पे मैंने दूसरा मास निकाल दिया, ठीक है। ये मेरा मास 2 है जो कि मैंने निकाला हुआ है 45 डिग्री पे, ओके। ये दूसरा मास हो गया। अभी तीसरा मास जो है, यहाँ पर अगला सक्सेसिव एंगल दिया है 75, यानी ये जो अपना लाइन निकला था सेकंड मास का, वहाँ से आगे 75 डिग्री पे आपको सेकंड मास निकालना पड़ेगा। तो ये 70 हो गया और ये 75 आ गया, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर दिखा दिया M3। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को क्या करना है, जो भी एंगल्स दिए हुए हैं वो एंगल्स लेकर ये मासेस शो कर रहे हैं। अभी ये लेंथ जो शो किया है वो इसका रेडियस डिनोट करता है, और जो ये सर्कल मैंने यहाँ पे शो किया वो वज़न डिनोट करता है। तो ये कन्वेंशन है, आप लोगों को निकालते वक्त हम लोग हर बार फ़ैन का डिज़ाइन या कोई भी जो पार्ट है उसका डिज़ाइन नहीं निकालेंगे। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस प्रकार से उसको शो करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से उसका लेंथ शो किया जाएगा, और ये जो सर्कल है उससे उसका मास शो किया जाएगा। और एक मास बचा है, तीन ही मास हुए, चार मास है ना, तो चौथा मास जो है 135 डिग्री पे है। तो आप लोगों को 135 जो है तीसरा और चौथे के बीच का एंगल है, तो मैं यहाँ से 135 डिग्री मेजर करता हूँ,
ये हो गया 90, 110, 20, 30 और ये 135 एंगल, ठीक है। तो अभी मैं ये लेंथ जो लेता हूँ इसकी, वो अंदाजे से ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को उसके लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये अगला जो एंगल हो गया वो हो गया 135 डिग्री का। तो इस प्रकार से मैंने क्या करवा दिया, एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना दिया है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम किस प्रकार से आता है। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो एक बार आप लोगों ने बना लिया, ये एंगल आपको एग्जैक्ट सही जो एंगल दिए हुए वही लेने हैं। सक्सेसिव मासेस उसने प्रॉब्लम के अंदर बोला था, तो सक्सेसिव मासेस का मीनिंग क्या लेना है आप लोगों को, ये जो 45 डिग्री, 75 डिग्री, 135 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दो मासेस के बीच का एंगल दिया है उसने, 45, 75, 135। तो पहला मास हम लोग जीरो पर रख देंगे और उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथे का हम लोगों को एंगल उसने दे के रखा हुआ, ठीक है। सिंपली इस प्रकार से आप लोगों को इसको ड्रॉ करना है। उसके बाद जो है हम लोग फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो फोर्स पॉलीगॉन आप लोग जब ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को जो है स्केल लेना पड़ेगा। स्केल किस चीज़ का, तो आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों ने जो ये प्रोडक्ट लिया हुआ है MN2R का केजी मीटर में, तो उसके लिए आपको स्केल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्केल ले लेता हूँ कि भैया 10 केजी मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मेरा 1 सेंटीमीटर क्या शो करेगा, 10 केजी मीटर शो करेगा। मैं ये जो वैल्यूज़ लिया है हम लोगों को वो ड्रॉ करना है यहाँ पर, इसलिए हम लोगों ने ये एक स्केल लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट ओ ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे अभी हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो सबसे पहला मैं ले अपना M1 और R1 जो उसका प्रोडक्ट था वो लेंगे। तो ये 40 का वैल्यू है इसका, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो ये जो मेरा पहला मास है उसको पैरेलल लाइन ले लेता हूँ और उसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और वो जीरो डिग्री पे था तो ये राइट साइड में ही बनेगा। और 10 केजी मीटर यानी 1 सेंटीमीटर, तो 40 केजी मीटर यानी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन बन जाएंगी, ठीक है, समझ में आया। ये पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए, और ये लेंथ क्या शो कर रहा है, ये लेंथ शो कर रहा है M1 into R1, करेक्ट। तो ये इस प्रकार से, उसके आगे का सेकंड मास जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो सेकंड मास यहाँ पर है, वो ऊपर की साइड में है, तो ये यहाँ पर मैं सेकंड मास ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी इसका लेंथ कितना आएगा, 10 केजी मीटर यानी 1 सेंटीमीटर है, तो 45 यानी कितना हो जाएगा, 4.5। तो यहाँ पर 4.5 हम लोग शो करवा देंगे, ठीक है, 4.5। उसके बाद नेक्स्ट एंगल देखिए आप लोग, यहाँ पर ऊपर जा रहा है, तो ये अपना बी पॉइंट हो गया नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ पर ये जो लेंथ है ये क्या है, ये M2 into R2 का वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 60, वो स्केल के हिसाब से 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से ये एंगल ले लेता हूँ और आप यहाँ से उसको ड्रॉ करवा देता हूँ। ये आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर। अभी आप लोग देखेंगे थोड़ा सा ये ओवरलैप हो गया, बट आप लोगों को ये ओवरलैप नहीं करवाना है, आपको थोड़ा सा स्पेस जो है उसके लिए छोड़ देना है प्रॉपरली, और एक सही ड्राइंग आना चाहिए आपका। तो ये M3 into R3 लेंथ हो गया। और उसके बाद जो है ये अपना फोर्थ एंगल है, 45 यानी 4.5 हो जाएगा स्केल के हिसाब से। उसको मैं पैरल लेता हूँ और ये सी के आगे एक लाइन निकाल देता हूँ, कितना, 4.5 का। तो ये 4.5 का लाइन निकाल देता हूँ और यहाँ पर मेरा डी पॉइंट आ जाएगा और ये M4 into R4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम बन रहा है अपना, ये डायग्राम के अंदर ये पॉइंट लास्ट पॉइंट आ गया अपना, और ये अपना फर्स्ट पॉइंट था, ये जो डी पॉइंट था वो लास्ट पॉइंट आ गया और ये अपना फर्स्ट पॉइंट था, तो दोनों के बीच में गैप आ गया। तो ये जो गैप है ये बैलेंसिंग फोर्स है, तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। ये जो गैप है ये बैलेंसिंग फोर्स है, तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया। अभी आप लोगों ने देखा ये लाइंस आप लोगों ने निकाली हुई है इस डायरेक्शंस में, तो मैं एरो शो कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो बैलेंसिंग मास है ये क्या करेगा, सबको बैलेंस करवाएगा, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। और ये लेंथ क्या शो कर रहा है, ये लेंथ शो कर रहा है MB into RB। MB का मतलब है बैलेंसिंग मास और RB का मतलब है रेडियस ऑफ बैलेंसिंग मास, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई है MB into RB, दैट इज बैलेंसिंग मास इंटू रेडियस ऑफ बैलेंसिंग मास का प्रोडक्ट आ गया। तो ये पहला लाइन क्या था, मास 1 और रेडियस 1, दूसरा लाइन था मास 2 रेडियस 2, तीसरा लाइन मास 3 रेडियस 3, चौथा लाइन मास 4 रेडियस 4, है ना। तो ये जो हम लोगों ने ये बैलेंसिंग वाला ये जो डॉटेड लाइन जोड़ा हुआ है वो अपना बैलेंसिंग मास रहेगा, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ साइड में, तो मेरे पास एक वैल्यू आई हुई है अभी कि MB into RB इज इक्वल्स टू, मैं ये लेंथ गिनूंगा कितनी है, तो ये लेंथ गिनने के बाद मुझे पता चल रही है दिस लेंथ इज 4.6, तो ये 4.6 सेंटीमीटर आई हुई है।
तो मेरा स्केल क्या है, मेरा स्केल है 10 kg इज इक्वल्स टू 1 cm, तो 4.6 यानी कितना हो जाएगा, 46 kg। ठीक है, 10 का स्केल था मेरा, उससे उस मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये 46 kg आ गया। तो यहाँ पर हम लोग एम बी इंटू आर बी, ये 46 kg है, इतना हम लोगों ने देख लिया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर देखो, हम लोगों को एक लास्ट सेंटेंस में रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बैलेंसिंग मास दिया रहता है जो कि 0.2 है। तो यहाँ पर ये जो रेडियस ऑफ रोटेशन था बैलेंसिंग मास का, वो हमको दिया हुआ है, दैट इज 0.2, और ये मास ऑफ बैलेंसिंग तो ये 46। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मास बैलेंसिंग इज इक्वल्स टू ये 46 को ये 0.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में दूसरे साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बैलेंसिंग मास आपको पता चल जाएगा कितना है। तो बैलेंसिंग मास अपना आ जाता है 46 डिवाइडेड बाय 0.2, 230 kg का। तो 230 kg का बैलेंसिंग मास आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ये अपना आंसर है। उसने हमको पूछा था मैग्नीट्यूड, तो ये रहा मैग्नीट्यूड, 230 kg का मैग्नीट्यूड रहेगा बैलेंसिंग मास का। उसी प्रकार से देखो पोजीशन भी पूछा है हमको, तो पोजीशन आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉटेड लाइन है वो जैसे का वैसा आपको लेके जाना पड़ेगा, और ये जो अपना सेंटर था जहाँ पर हम लोगों ने वहाँ से मासेस निकाले थे, वहाँ पर जाके इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये अपना ये डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये बैलेंसिंग मास आ गया, और इसका एंगल आप लोग मेजर कर लेंगे। एंगल आप लोग मेजर कर लेंगे, ये 90, 10, 20, 30, तो ये लगभग जो है एंगल, इसको मैं थीटा बी बोलूँगा, ये 130 डिग्री आया हुआ है। और 130 डिग्री कहाँ से आया हुआ है, ये मैंने जब इसको क्लॉकवाइज गिना M1 मास से जब क्लॉकवाइज गिना तो 130 डिग्री आया हुआ है। तो आपको ये पूरा लिखना है क्लॉकवाइज वाइज फ्रॉम मास वन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो आपके आंसर्स हो गए, एक तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला था और दूसरा पोजीशन निकालने के लिए बोला था। मैग्नीट्यूड और पोजीशन दोनों भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर निकाली हुई है, और ये इस प्रकार से आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। तो आपको जो इसके पहले का प्रॉब्लम था वो एक बार सॉल्व करके देखो और ध्यान से हर एक चीज़ को समझो। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, 3 मासेस, यहाँ पर 3 ही मासेस है, पिछले प्रॉब्लम में 4 मासेस थे, 10 kg, 20 kg एंड 50 kg, मैंने वो लिख लिया यहाँ पे 10, 20 एंड 15 kg। उसके बाद आर अटैच्ड एट अ पॉइंट रेडियस 20 cm, 25 cm, 15 cm। लास्ट प्रॉब्लम में यहाँ पर मीटर में वैल्यू दी थी, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, आपको वो चेंज नहीं करना है, जो यूनिट है उसी को रहने देना है। तो ये 20 cm, 25 cm, 15 cm वैसा ही रहेगा। मैंने यहाँ पर उसका मल्टीप्लीकेशन भी करवा के रखा है, आप लोग 100 इंटू 20 करिए तो 10 इंटू 20 करें तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये आगे के दो रहेंगे। और इफ़ द एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग मासेस आर 0, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग ये सेंटेंस देखो, पिछले प्रॉब्लम में ये सक्सेसिव वर्ड था यहाँ पर, और इस प्रॉब्लम में ये करस्पॉन्डिंग वर्ड है। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है और सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव में क्या था, वो दो मासेस के बीच का एंगल दिया था, और करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि हर एक मास का एंगल दिया हुआ है 0 से। तो पहला मास जो है वो 0 डिग्री, दूसरा मास जो है 60 डिग्री 0 से, और तीसरा मास जो है 150 डिग्री 0 से, है ना। तो सक्सेसिव यानी क्या होता है, दो मासेस के बीच का एंगल दिया रहेगा, और करस्पॉन्डिंग यानी क्या है, 0 से पहले मास से आपको एंगल दिया रहेगा। अगर तो इसको हम लोग सक्सेसिव के फॉर्मेट में अगर मास के एंगल देते तो ये पहला एंगल अपना दिया ही नहीं रहता, दूसरा एंगल जो है 60 डिग्री दिया रहता है, और तीसरा एंगल जो है 90 डिग्री दिया रहता है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो वो सक्सेसिव में हमको उस प्रकार से दिया रहता। ठीक है, तो आप लोग ये करस्पॉन्डिंग और सक्सेसिव का मतलब समझो। उसके बाद देखिए, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम भी बना दिया है जो एंगल दिए थे उसके हिसाब से। अभी हम लोग डायरेक्टली फोर्स पॉलीगॉन पे आ जाते हैं। तो फोर्स पॉलीगॉन किस प्रकार से बनता है, आप लोगों ने जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके ये वैल्यूज़ लाई है उसके लिए आपको स्केल लेना पड़ता है। वैल्यूज़ जो है केजी सेंटीमीटर में रहेगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से आपको स्केल लेना पड़ेगा। तो स्केल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 100 kg सेंटीमीटर यानी 1 cm। ओके, तो 100 kg सेंटीमीटर यानी 1 cm, तो 200 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 500 यानी 5 हो जाएगा,
और 225 यानी हो जाएगा 2.25। ओके, इस प्रकार से हमारी स्केल में वैल्यू आने वाली है। तो सबसे पहला मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट प्लॉट कर दूंगा कहीं पर भी, उसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, और पहला मास मेरा यहाँ पर है, मैं वो मास को पैरेलल स्केल रखता हूँ और उसको यहाँ से ये पॉइंट ओ से जो है ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने उसको राइट साइड में ही ड्रॉ करूँगा क्योंकि ये 0 डिग्री है, अगर 180 डिग्री पे होता तो मैं इधर लेफ्ट साइड में इसको ड्रॉ करता। ओके, तो यहाँ से इसका लेंथ कितना आएगा, ये आएगा 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि मेरा ये जो केजी सेंटीमीटर में निकाला है वो 200 केजी सेंटीमीटर था, तो स्केल के हिसाब से 2 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो ये मेरा पॉइंट पहला ए पॉइंट आ गया डायग्राम के अंदर। ये जो लेंथ है वो क्या शो कर रहा है, वो M1 इंटू R1 का वैल्यू शो कर रहा है। M1 इंटू R1 का ये जो वैल्यू आया था वो ये लेंथ से हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट मास है M2 मास, उसको मैं लेकर जाता हूँ पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल पकड़ा मैंने, और ये जो ए पॉइंट आया था अपना वो ए पॉइंट के आगे उसको ड्रॉ करता हूँ। इसका लेंथ कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको 5 सेंटीमीटर लेंथ बना लेता हूँ इसका, तो ये बन गया मेरा 5 सेंटीमीटर का लेंथ। ओके, ये मेरा पॉइंट बी पॉइंट आ गया, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या शो कर रहा है, M2 इंटू R2। ओके, नेक्स्ट जो है वो 2.25 जो है अपना थर्ड मास के लिए हम लोग लेंथ दिखाएंगे। तो ये थर्ड मास लेकर आया और ये बी पॉइंट से इसको मैंने ड्रॉ करवा दिया है इधर, तो इसका लेंथ कितना चाहिए, 2.25। तो ये लगभग हम लोग 2 के आगे 2.2 और 2.3 के आगे हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, ये डिस्टेंस हो गया, ये पॉइंट सी आ गया। ओके, ये आप लोग डायग्राम देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, अभी देखो ये लास्ट पॉइंट आ गया हमारा, क्योंकि 3 ही मासेस थे। अभी आप लोगों को जो है ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को जो है ज्वाइन करना पड़ता है स्केल से, डॉटेड लाइन से हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं। जो हमारे ये तीनों मास हम लोगों ने ड्रॉ किए थे उनका एरो जो है वो सब एक दिशा में रहेगा, और ये बैलेंसिंग मास का एरो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो ये अपना बैलेंसिंग मास इंटू रेडियस ऑफ बैलेंसिंग मास, ये दो चीज़ें मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग ये डिस्टेंस से शो करते हैं। ओके, तो अभी मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास निकालना है, तो किस प्रकार से निकलेगा देखो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास वो हो जाएगा अपना MB इंटू RB। अभी आपको ये लेंथ गिनना पड़ेगा कितना है, तो ये लेंथ जो है मेरे डायग्राम के अंदर ये आ रहा है लगभग 5.9 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5.9। MB इंटू RB कितना है, MB इंटू RB का ये लेंथ कितना है 5.9, और अपना स्केल कितना है 100 का, तो ये हो जाएगा 590 kg इंटू सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें ये RB का वैल्यू जो है ना अपने को प्रॉब्लम के अंदर दिया होता है, तो यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ रोटेशन, बैलेंसिंग मास रिक्वायर्ड इफ इट्स रेडियस ऑफ रोटेशन इज 30 सेंटीमीटर। तो लास्ट सेंटेंस में आप लोग देखेंगे तो रेडियस ऑफ रोटेशन दिया रहेगा, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 30 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ रोटेशन मैं यहाँ पे पुट करवा देता हूँ, RB की जगह पर 30 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, तो MB इज इक्वल्स टू 590 / 30 हो जाएगा। तो ये 590 / 30 हम लोग कर लेते हैं, तो ये अपना आंसर है 19.67। तो यहाँ पर देखो ये आंसर आया अपना, तो MB का वैल्यू अपना आ गया 19.67, ये आ जाएगा अपना KG के अंदर, ये अपना एक आंसर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास, ये अपना मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास आ गया। अभी पोजीशन किस प्रकार से निकालते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पर ध्यान से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर स्केल रख के इसको नीचे लेकर आ गया, और ये जो अपना जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम था उसमें इसको ड्रॉ करवा दिया, ठीक है, इसको ड्रॉ करवा दिया और यहाँ पे शो कर दिया, भैया ये मास जो है ये बैलेंसिंग मास है वो यहाँ पर लगेगा ये एंगल पे। अभी ये एंगल कितना है वो भी गिनकर आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये एंगल मैं गिन लेता हूँ यहाँ पर, तो ये लगभग जो है 90 110, तो ये जो एंगल है यहाँ पर 110 डिग्री पर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो अपना बैलेंसिंग का एंगल है थीटा वो 110 डिग्री पर है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनेंगे हम लोग मास वन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनेंगे, तो आपको 110 डिग्री पे वो मिलेगा। तो ये अपना एक आंसर हो गया पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग मास। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम होते हैं। इसमें हमेशा आपको प्रॉब्लम के अंदर यही दो चीज़ें पूछेंगे, एक
तो मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग मास और दूसरा पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग मास, ये दोनों चीज़ें आप लोग इसको ड्रॉ कर रहे, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम करेक्ट बन गया तो फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम भी सही बन जाता है। उसमें आपको स्केल लेना है, स्केल आपको ये जो वैल्यू आई है उसमें से डिसाइड करना है, और स्केल एक बार आप लोगों ने ले लिया तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर अपने को करना है, एम बी इंटू आर बी इज इक्वल्स टू जो भी ये डिस्टेंस आएगा वहाँ से। अभी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो आप लोगों ने 12th में या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में एक पॉलीगॉन लॉ पढ़ाऊंगा, तो पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, पॉलीगॉन लॉ कहता है कि अगर कोई फोर्स सिस्टम है, अगर कोई फोर्स सिस्टम है और वो अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, तो उनको अगर हम लोग एक पॉलीगॉन की साइड में ड्रॉ करेंगे, अभी ये पॉलीगॉन बन गया अपना, तो इसके साइड में मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो जो फाइनल वाली लाइन रहेंगी, जो फाइनल वाली लाइन रहेंगी जो पॉलीगॉन को क्लोज करेंगी, वो बैलेंसिंग मास शो करेगा, वो बैलेंसिंग मास का मैग्नीट्यूड शो करेगा। ठीक है, क्या बोलता है पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ बोलता है कि कोई फोर्स सिस्टम है जो कि बैलेंस नहीं है, कोई फोर्स सिस्टम जो बैलेंस नहीं है, अगर आप लोग उसको किसी पॉलीगॉन की साइड में ड्रॉ करते हो, तो पॉलीगॉन की साइड को ड्रॉ करने के बाद जो क्लोजिंग साइड रहेगा वो अपना बैलेंसिंग मास शो करेगा, क्लोजिंग साइड जो रहेगा बैलेंसिंग मास शो करेगा। ये अपना पॉलीगॉन लॉ है जो हम लोगों ने 12th में पढ़ा था या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, तो उसके उसके बेसिस पे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बैलेंसिंग के, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग ये बैलेंसिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, ये प्रॉब्लम आप लोग खुद सॉल्व करके देखेंगे और चेक करेंगे ये वैल्यूज कितनी आ रही है। ओके, थैंक यू। सो द कंक्लूजन ऑफ टुडेज प्रैक्टिकल इज वी हैव सक्सेसफुली परफॉर्म बैलेंसिंग ऑफ रोटरी अनबैलेंस सिस्टम। तो हम लोगों ने आज देखा है कि रोटरी अनबैलेंस सिस्टम को कैसे बैलेंस करना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, पोजीशन कैसे निकालना है मासेस का, और उसको किस प्रकार से ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखे हुए हैं आज। और फिर से ये देखिए प्रोग्राम आउटकम्स जो हम लोगों ने ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से अचीव किए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कंप्लीट दिस प्रैक्टिकल इन ऑल एस्पेक्ट एंड अपलोड इट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल so that I can check it and the continuous assessment of yours will be submitted on schedule.